उज्जैन पुलिस लाइन में महाराजवाड़ा क्रमांक के एक विद्यालय के नवीन भवन के निर्माण की शुरुआत की गई है, जिससे क्षेत्रीय बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रविवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा देवास रोड पुलिस लाइन स्थित शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय महाराजवाड़ा क्रमांक एक के नवीन भवन के निर्माण की शुरुआत की गई। वर्तमान में विद्यालय में लगभग 350 बच्चे हैं। नवीन भवन बन जाने से विद्यालय में जगह की समस्या हल हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि नवीन भवन में 3 मंजिला होगी। नवीन भवन 1,75,00,000 रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके निर्माण एजेंसी PWD की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट है। मंत्री डॉक्टर यादव द्वारा कार्यक्रम के पूर्व स्कूल परिसर का अवलोकन किया गया। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, विवेक जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी रमा नाहटे, अभय तोमर, ADPC गिरीश तिवारी, कार्यपालन यंत्री BD शर्मा, मुकेश जैन एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम के पश्चात मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जो भी निर्माण कार्य किए जाए वे समसामयिक होना चाहिए तथा उनका वास्तव में सदुपयोग किया जाना चाहिए। निर्माण कार्य की उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए। मंत्री डॉक्टर यादव ने पुलिस विभाग का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कठिन से कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी की जाती है। पुलिस लाइन में रहने वाले परिवार के बच्चों को नवीन स्कूल भवन बन जाने से काफी सुविधा मिलेगी। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ज्ञान का बहुत महत्व है। जीवन में सफलता और आगे बढ़ने के लिए विद्या और विद्यालयों की बहुत आवश्यकता है। देखिए, हमारा देवास रोड और पीछे का इंदौर रोड नागजरी वाला बेल्ट में हायर सेकेंडरी स्कूल की अत्यंत आवश्यकता थी। मैं आज के अवसर पर हायर सेकेंडरी के नए विद्यालय के भूमि पूजन पे हमारे माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी के साथ मौजूद हुआ। हमने भूमि पूजन किया और उपलब्ध इस भवन के आधार पर जो नया भवन बनने वाला है उसका बहुत लाभ मिलेगा। उज्जैन में ऐसे विकास के क्रम लगातार। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा विद्यालय के लिए जमीन दिए जाने पर वे विभाग का आभार व्यक्त करते हैं। उज्जैन में जो भी निर्माण कार्य और विकास कार्य हो रहे हैं, इससे शहर की दिशा और दशा बदलेगी। यदि कोई उज्जैन आए तो उसके पूरे जीवन में यह याद होना चाहिए कि वह कभी उज्जैन आया था। ऐसा हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। सांसद ने निर्माणकर्ता विभाग के इंजीनियर को निर्देश दिए कि आगे से जो भी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाना है उसका लेआउट अवश्य उपलब्ध करवाएं। आगे भी शहर के विकास के लिए भूमि पूजन और लोकार्पण निरंतर किए जाएंगे। फिरोजिया ने सभी स्कूल बच्चों के लिए नया स्कूल भवन मिलने पर शुभकामनाएं दी। हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि यहाँ पे बरसों से डिमांड थी कि हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। बच्चे इतने परेशान होते थे और टीचर्स भी कि 2 क्लास यहाँ पढ़ाते थे, 2 क्लास महाकाल के पास वाली बिल्डिंग में जाते थे। तो वास्तव में एक ऐसा अद्भुत स्कूल था ये कि मतलब बहुत आश्चर्य होता था। लेकिन आज 1,75,00,000 की लागत से यहाँ पे उसका भूमि पूजन हुआ है और एक अच्छी सौगात मिली है। आसपास की जो जनता है उनको बहुत और बच्चों को भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बहुत